देखिए अब हमारा टॉपिक है कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की खास बात क्या होती है कि इनमें एक सिंपल प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट के लिए लफ्ज यूज होता है प्रोस्थेटिक। क्या प्रोस्थेटिक? PROSTHETIC। प्रोस्थेटिक के ऐसे भी लफ्जी मायने होते हैं किसी गैर के, कोई एक्स्ट्रा सोर्स, कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड अप की है। सिंपल प्रोटीन को हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिनमें सिर्फ हाइड्रोलाइसिस का फर्क था, सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। अब अल्फा अमीनो एसिड के साथ कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बनेगा, सबसे पहले न्यूक्लियो प्रोटीन जिसमें हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है। बेसिक प्रोटीन के साथ क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड यूजली सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इसके बाद देखें ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइको के लफ्जी मायने कार्बोहाइड्रेट, यानी बेसिक प्रोटीन तो अभी भी शामिल होगा, बेसिक प्रोटीन के साथ प्लस से मेरी बना दिए गए कार्बोहाइड्रेट होगा। हेमोजेमिन और ओजोरोनिक एसिड इसकी एग्जाम्पल है, और सबसे खास एग्जाम्पल इसकी जो एग्जाम में आती है म्यूकिन सेलीवा, ये जो टूथ के अंदर होता है, ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल भी है म्यूकाइड, टेंटेज एंड कार्डिलेज, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने वाले ये म्यूकिनिया सेलीवा। फिर जनाब फॉस्फेटिक प्रोटीन में फॉस्फोरिक एसिड जो है हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे यूज होता है सिंपल प्रोटीन के साथ। इसकी दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत आई है कि कैसे कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप में आएगा। तो भाई ये कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप में आता है? फॉस्फो प्रोटीन में आता है, या फॉस्फो प्रोटीन की मिसाल है केजिन। केजिन किसमें पाया जाता है? मिल्क में, बहुत आई है एमसीक्यूज। इसी तरह विटेलिन एग योक में पाया जाता है, दोनों फॉस्फो प्रोटीन की मिसाल है। क्रोमो प्रोटीन वाहिद पार्ट होता है जो कलर्ड होता है हेमोग्लोबिन। आप देखिए ह्यूमन ब्लड इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल भी दी हुई है मेलानाइन, वोलिया, वेदर या स्किन में पाई जाती है, लेकिन एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आई है वो ये हेमोग्लोबिन के। वाहिद प्रोटीन जो कलर पार्ट रखता है क्रोमो प्रोटीन होता है। इसके बाद लाइपोप्रोटीन, जब हम कंपाउंड लिपिड्स की बात करेंगे तो यही सेम एग्जाम्पल वहां भी आएगी। लाइपोप्रोटीन मिसाल है इसकी मेम्ब्रेन प्रोटीन या एडिपोस टिश्यू। एक और बड़ी अहम बात के सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन को मिला लें तो क्या बनता है? डिराइव प्रोटीन। डिराइव प्रोटीन की तीन एग्जाम्पल है पेप्टोन्स, प्रोटीएसिस, पेप्टाइड्स। दोबारा एक बार रिव्यू दे रहा हूँ, देखिए कंपाउंड प्रोटीन तो बनता है सिंपल प्रोटीन में नॉन प्रोटीन बार प्रोस्थेटिक ग्रुप शामिल करके, न्यूक्लियो प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइको प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फो प्रोटीन में फॉस्फोरिक एसिड, जिसकी मेन एग्जाम्पल कैसीन यानी मिल्क है, विटेलिन एग योक भी आ सकती है। ग्लाइको प्रोटीन की म्यूसिन सेलीवा भी इंपॉर्टेंट है। क्रोमो प्रोटीन वाइन प्रोटीन है जो कलर पार्ट रखता है हेमोग्लोबिन ब्लड, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। लाइपोप्रोटीन का लगभग प्रोटीन प्लस फैट मेम्ब्रेन प्रोटीन या एडिपोस टिश्यूज के एग्जाम्पल है। ड्राई प्रोटीन में हम कहते हैं सिंपल पार्ट प्लस कंपाउंड पार्ट, पेप्टोन प्रोटीएसेस या पेप्टाइड्स इसके एग्जाम्पल है। ये जनाब हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया है कंपाउंड और ड्राई प्रोटीन।